हेलो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय करने की घोषणा की थी। यह विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया है। इस विलय के बाद केनरा बैंक देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया है। केनरा बैंक में विलय के बाद सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाओं का आईएफएससी कोड 1 जुलाई 2021 से बदल जाएगा। ऐसे में ग्राहक URL canarabank.com/ifc.html के जरिए नया आईएफएससी कोड जान सकते हैं, या ग्राहक अपनी बैंक शाखा में जाकर भी आईएफएससी कोड की जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है सिंडिकेट बैंक के अकाउंट होल्डर्स को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सहायता जरूर मिलेगी। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दी चैनल।